मेष राशि के लोगों को इस सप्ताह थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। गोचर कुंडली में चंद्रमा पांचवें भाव से शुरू होगा और आठवें भाव तक जाएगा। व्यापारिक यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है। इन दिनों में बनाई गई योजनाएं आपको अचानक धन लाभ दे सकती है। आप नौकरी खोज रहे हैं तो इस सप्ताह इंटरनेट और फोन के भरोसे बैठने के बजाय एक बार उन लोगों से सीधे मिलने की कोशिश करें जो इस मामले में महत्वपूर्ण है। इन दिनों में कुछ काम निपटाने के लिए आपको दोस्त की जरूरत हो सकती है। आप जोखिम उठाने के मूड में भी रहेंगे। सप्ताह के बीच में साझेदार से भी अनबन हो सकती है। परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह सेहत के मामले में आप सावधान रहे, आपको मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं। लवमेश राशि वालों को पार्टनर का मिजाज भी समझना चाहिए। इन दिनों में अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें, वरना संबंध बिगड़ भी सकते हैं। करियर मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता भी मिल सकती है। साथ ही अन्य फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल है। इन दिनों में धैर्य के साथ काम करें। कोई काम पूरा ना होता है तो भी धैर्य रखें। मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। हेल्थ इस सप्ताह थकान हो सकती है। आपके लिए सप्ताह के कुछ दिन आलस्य भरे भी हो सकते हैं। वृष सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक ही रहेगी। कामकाज भी धीमी गति से हो सकते हैं। इन दिनों की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव से सातवें भाव तक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप चंद्रमा के कारण परेशान रहेंगे। करियर के बारे में कोई बड़ा फैसला करने का सही समय अभी नहीं है। हालांकि आपके पास सुझाव और प्रस्ताव बहुत रहेंगे। आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। मेहनत भी ज्यादा रहेगी। पारिवारिक काम के लिए भी समय निकालना पड़ सकता है। सप्ताह के एक दो दिन आपके आसपास कुछ सुखद घटना होने के योग हैं, लेकिन आप अपने काम पर ही ध्यान दें। आप कुछ ज्यादा ही भावनात्मक हो सकते हैं। किसी समस्या की जड़ तक पहुंचकर आप उसको निपटाने में सफल रहेंगे। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। इन दिनों में रुके हुए काम पूरे होंगे। इन दिनों में लव पार्टनर के साथ नए अनुभव मिलेंगे। दिल की बातें शेयर करेंगे। इन दिनों में बड़े फैसले लेने से बचें। करियर इस सप्ताह कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। फैशन और ग्लैमर से जुड़े लोगों को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता मिल सकती है। वृष राशि वालों के रुके हुए काम इन दिनों में निवारण हो जाएंगे। धन संबंधित परेशानियां कम हो जाएगी। हेल्थ सेहत संबंधित परेशानियां हो सकती है। पेट के रोग से परेशान रहेंगे। मिथुन यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के छठे भाव तक जाएगा। सप्ताह के बीच के दो दिन आपके लिए टेंशन और परेशानी वाले हो सकते हैं, लेकिन बाकी दिन आपके फेवर में हो सकते हैं। आपको सफलता भी मिलेगी। आपको जो भीखना है नपे तुले शब्दों में कह डालें, वरना आप डिप्रेस भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात और बातचीत होगी। नया काम या नई नौकरी शुरू करने के लिए समय ठीक है। सप्ताह के बीच में पैसों की स्थिति में सुधार हो जाएगा। इन दिनों में बहुत से सोचे हुए काम पूरे होंगे। नई योजनाएं बनेंगी। आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा। आपके काम पूरे होंगे। साझेदारी में भी फायदा होगा। परिवार और दोस्तों से सहयोग मिलेगा। लव मिथुन राशि के लोग इन दिनों में पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। करियर कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। कॉमर्स में करियर बनाने वाले लोगों को सफलता मिलेगी। मेडिकल छात्र भी इस सप्ताह सफल रहेंगे। इन दिनों में आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। सोचे हुए काम पूरे होंगे। हेल्थ मिथुन राशि वाले लोग सेहत को लेकर सावधान रहे। कर्क इस सप्ताह आपको सफलता मिलेगी। परेशानी और चिंता कम होगी। जल्दी ही समस्या का समाधान मिल जाएगा।
परेशानी भरी स्थिति से बाहर निकलने का समय है। इन दिनों में शब्द, रंग, आंकड़े, बातचीत और संचार के उपकरण, ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इनसे जुड़ी कोई खास घटना भी आपके साथ हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध और सेहत दोनों की विशेष चिंता करनी होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा, उस समय आप सभी रिश्तों को लेकर धैर्य रखें। सप्ताह खत्म होते होते राहत भी महसूस होगी। आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपको संयम रखना होगा। इन दिनों में धन लाभ भी हो सकता है। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। विवाद की स्थिति बन रही होगी तो आप बच सकते हैं। लव लाइफ में सावधान रहे। लव लाइफ में कुछ गलत फहमियां हो सकती है। आपकी किसी बात से पार्टनर का मूड भी खराब हो सकता है। करियर मेडिकल विद्यार्थी टेंशन में रहेंगे। टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित स्टूडेंट्स इस सप्ताह सफल हो सकते हैं। पैसों के लेन देन में लापरवाही और जल्दबाजी ना करें। हेल्थ, इन दिनों में सेहत संबंधित बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। खान पान में सावधानी रखें। सिंह, सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि से हो रही है। चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपके दिन भी अच्छे होते जाएंगे। आनंद और खुशियों के अवसर मिल सकते हैं। शौक, दोस्तों से गपशप और फालतू पुस्तक पढ़ने जैसी किसी गतिविधि में आप अपना समय और पैसा खर्च कर सकते हैं। इन दिनों में आप किसी भस में उलझने से बचें। अपने कामकाज पर ध्यान दें। इन दिनों में आपके कुछ जरूरी काम भी अधूरे रह सकते हैं। जमीन जायदाद के सौदों में आपको फायदा हो सकता है। लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे। नए काम की योजनाएं भी बन सकती है। आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। संतान संबंधी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। साक्षात्कार और प्रतियोगी परीक्षा में भी इस सप्ताह आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ के मामले में समय अच्छा है। सिंह राशि के लोग इन दिनों को अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बिताएंगे। करियर मेडिकल क्षेत्र और बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य है। कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। नए कामों की योजनाएं भी बनेंगी। रुके काम भी पूरे हो सकते हैं। इन दिनों में पैसा बनेगा और सहयोग भी मिलेगा। कुल मिलाकर ये दिन भी अच्छे रहेंगे। हेल्थ, सेहत के मामले में सावधान रहे। इस राशि के लोग पुरानी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह शुभ है। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। समाचार मिल सकते हैं। दोस्तों या परिवार के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं। सप्ताह के शुरुआती दिनों में खर्चा बढ़ा हुआ रहेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में फालतू कामों में आपका समय खराब हो सकता है। एक दो दिन आपके खर्चे भी कम होंगे। इन दिनों पुरस्कार, सम्मान, प्रमोशन, प्रतियोगिता में जीत मिल सकती है। मन में उत्साह और उम्मीदें रहेंगी। हालांकि बार बार अन्य विचार भी हावी होते रहेंगे, जिनसे एकाग्रता में थोड़ी परेशानी आएगी। आप चतुराई का उपयोग करेंगे। आप कोई भी फैसला बहुत सोच विचार कर ही लें। किसी काम की चिंता भी हो सकती है, लेकिन जल्दी ही समाधान मिल जाएगा। अचानक धन मिलने के भी योग बन रहे हैं। संतान संबंधी चिंता भी दूर हो सकती है। लव, इस राशि वालों की लव लाइफ सामान्य रहेगी। इस सप्ताह लव लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे। करियर इंजीनियर्स और मेडिकल क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। अन्य स्टूडेंट्स को भी इस सप्ताह अच्छी सफलता मिल सकती है। इस राशि के लोग गुस्से के कारण परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिन आपके लिए शुभ है। हेल्थ, पेट के रोग हो सकते हैं, सावधान रहें। पुराना दर्द या जलन बढ़ सकती है। तुला, इन दिनों में भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामले आपके सामने आ सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं।
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव से शुरू होकर धन भाव तक जाएगा। आप सेविंग करना चाहते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत खास हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से भी विवाद होने की संभावना बन रही है, थोड़ा संभल कर रहे। किसी ऐसे काम या ऐसी भस में भी आप उलझ सकते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। किसी पार्ट टाइम काम की जरूरत महसूस हो सकती है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। समस्याएं सुलझ सकती है और आप बड़े फैसले करेंगे। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शुभ है। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में संतुलन बनाएं। लव तुला राशि वालों को लव लाइफ में कुछ खास फैसले लेने पड़ सकते हैं। कुछ अच्छे बदलाव भी इन दिनों में हो सकते हैं। करियर स्टूडेंट्स के लिए पूरा सप्ताह शुभ रहेगा। ग्लैमर जगत में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र और बिजनेस के लिए ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। इन दिनों में धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। हेल्थ, इन दिनों में सेहत से जुड़ा कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन सेहत थोड़ी नरम जरूर हो सकती है। वृश्चिक, यह सप्ताह आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र के साथ साथ योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। बड़ी खरीदारी हो सकती है। किसी की फालतू बातों और कहानियों के चक्कर में आने से बचें। सावधान रहे। अपने सम्मान, समाज में अपनी हैसियत और सफलता बढ़ सकती है। बड़े लोगों से मुलाकात के योग है। संबंध भी मजबूत होंगे। आपका व्यवहार ज्यादा ही संवेदनशील हो सकता है। नौकरी में सफलता मिलने के योग है। नई चुनौतियां आपको आगे बढ़ने के मौके देंगी। चिंता ना करें, इन दिनों का ज्यादातर समय सकारात्मक ही है। सप्ताह खत्म होने के पहले आपका पैसा अचानक कहीं अटक सकता है और खर्चा भी बढ़ सकता है। सोचे हुए कुछ काम समय पर नहीं होने से तनाव जरूर होगा, लेकिन समय ठीक भी हो जाएगा। लव वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। इन दिनों में पार्टनर से झूठ ना बोले, वरना संबंध खत्म होने तक बात बढ़ भी सकती है। करियर, कॉमर्स में करियर बनाने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। मेडिकल छात्रों को भी सामान्य सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र और बिजनेस को लेकर कोई उथल पुथल भी हो सकती है। काम समय पर हो जाएंगे। हेल्थ, वृश्चिक राशि वालों को इन 7 दिनों में सेहत से जुड़ी कोई खास परेशानी नहीं होगी। ये 7 दिन सामान्य रहेंगे। धनु, इस सप्ताह की शुरुआत में किस्मत का साथ मिलेगा। उलझने खत्म होंगी। यह समय आपके लिए शुभ है। लोग आपको कई तरह की सलाह दे सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह खास हो सकता है। इस सप्ताह आप पैसों से जुड़ा कोई बड़ा काम करने का मन भी बना सकते हैं। किसी को उधार देने या निवेश करने का मन भी बन सकता है। सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला करना होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही पैसों से जुड़े फैसले लें। सप्ताह के आखिरी दिनों में पैसों के मामले में सावधान रहना होगा। पारिवारिक संबंधों में गहराई बढ़ेगी। पारिवारिक मिलन भी संभव है। दैनिक और सभी पारिवारिक काम निपट सकते हैं। सप्ताह के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों में कुंडली का चंद्रमा कर्म और लाभ भाव में रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भी बड़ी रुकावटों का सामना करने के बाद आपको मेहनत से सफलता मिल जाएगी। लव, इन 7 दिनों में लव पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें। साथ ही पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद कर दें। करियर, इस सप्ताह फिल्म, फैशन, ग्लैमर से जुड़े लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। व्यावसायिक विषयों को पढ़ने वाले छात्रों को इस सप्ताह आसानी से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, पुराने रोगों से परेशानी बढ़ सकती है। रोग खत्म ना होने के कारण मूड खराब हो सकता है। तनाव भी रहेगा। मकर, मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। इन दिनों में आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। मानसिक संतोष भी मिल सकता है।
हालांकि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ ठीक नहीं है। छिटपुट मामलों पर दूसरों के साथ विवाद से बचें। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफिस में समस्या भी पैदा कर सकता है। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव से शुरू होकर लाभ भाव तक जाएगा। इन दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप परंपरा के विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे और यह नहीं चाहेंगे कि आपको अपने फैसलों के लिए दूसरों की मंजूरी लेनी पड़े। चलता काम निपटने से आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपके लिए नए रास्ते खुलते जाएंगे। इस सप्ताह मकर राशि के लोगों को मान सम्मान मिलेगा। सेहत पर ध्यान देना चाहिए। लव मकर राशि वालों को पार्टनर से सरप्राइज और खुशी मिल सकती है। लव लाइफ के मामले में ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। करियर इंजीनियरिंग के छात्रों को कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह कानूनी शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। योजना से काम करना चाहिए। पुरानी योजनाएं सफल होंगी। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। हेल्थ पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। आपको पानी और भोजन को लेकर सावधान रहना चाहिए। कुंभ इन दिनों में आपको दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव भरा भी हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वाले लोगों की सेहत ठीक ठीक रहेगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में उधारी से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। सप्ताह के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके करियर को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। आप में जो खासियत है उस पर गौर भी किया जाएगा। इन दिनों ऐसा मौका भी मिल सकता है जिसके बारे में पहले कभी आपने सोचा ना हो। आप कोई भी काम पूरे आत्मविश्वास से खुद ही निपटाने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह बेचैनी के कारण नियमित कामकाज से भी मन हटता रहेगा। यात्रा हो सकती है। सप्ताह के आखिरी 1-2 दिनों में आपको सावधान रहना होगा। लव आने वाले इन 7 दिनों में कुछ दिन पार्टनर से दूर रहेंगे और कुछ दिन पार्टनर के साथ। आपका लव पार्टनर 1-2 दिन आपसे असंतुष्ट भी हो सकता है। करियर कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। फैशन के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों को करियर में सफलता मिल सकती है। ये 7 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। हेल्थ आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। ये जरूरी नहीं कि कोई बदलाव हो। मीन राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति सुधार की ओर है। नौकरी में बदलाव के बारे में विचार करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और यह दौर पूरे सप्ताह चलता रहेगा। इन दिनों में आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ा खास कागजी काम करना पड़ सकता है। अपनी प्रगति से आप खुश रहेंगे। आप संतुष्ट भी रहेंगे। इन दिनों में कुछ कंफ्यूजन खत्म हो सकते हैं। कई तरह की शंका समाधान इन दिनों में खत्म हो सकता है। यह सब आपकी कोशिशों के दम पर होगा। पुरानी नकारात्मकता भी खत्म हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। दुश्मनों की वजह से कुछ काम भी पूरे होने में देरी हो सकती है। इस सप्ताह योजनाएं भी बनेंगी। बिजनेस में अचानक फायदे के योग हैं। मीन राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी। सप्ताह खत्म होने के कुछ दिन पहले आपको सावधान रहना होगा। आखिरी दिनों में किस्मत का साथ मिल सकता है। लव मीन राशि के लोग इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय पार्टनर के साथ बिता सकते हैं। इस राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी बहुत हद तक सफल होंगे, लेकिन पत्रकारिता, कानूनी शिक्षा और इंजीनियरिंग से जुड़े विद्यार्थियों को कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलने के योग नहीं है। इन दिनों में योजनाएं बनाएं जो पूरी भी होंगी। इनसे सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। नया निवेश भी आपको सोच समझ कर करना होगा। हेल्थ इस राशि के लोग पेट और सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं।